किचन रिलेटेड हॉल कर रही हूँ. आई डोंट नो यार पीपल क्राई और नॉट बट सी द डिजाइन इज एंड इट इज $20. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक. तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मंगलवार है एंड अभी मैं यहाँ पे आई हूँ. यहाँ से मैं सिद्ध के मिल्क लेती हूँ एंड मेरा फ्लावर्स लेती हूँ. तो देखती हूँ यहाँ पे नहीं मिलेगा देन आई हैव टू गो टू CBS. तो फ्लॉप हो गए, यहाँ पे नहीं मिला एंड अभी मैं CBS जाऊंगी. सो लेट्स होप यहाँ पे मिल जाए. ऐसे मैं CBS से बहुत ही कम लेती हूँ. हाँ, फाइनली मिल गया. ये फॉर्मूला का प्राइस ना सभी जगह ना अलग अलग है. यू वोंट बिलीव, अभी जो मैं शॉप में गई थी ना ग्रोसरी स्टोर में, वहाँ पे दिस फॉर्मूला इज $11, CBS में दिस इज $17. पर हाँ, जब नहीं मिलता है तब क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक ले लेती हूँ. तो अभी मैं अपने ग्रोसरी स्टोर में आई हूँ जहाँ से मैं सारा यू नो वेयर आई गेट द ग्रोसरी एंड ऑल. मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए. कल के वीडियो में मैंने आप सबको बोला था ना कि मेरी जो नेबर है उनके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे. तो शाम का जब शौमिक आए ना तो तुरंत मैं और शौमिक गए एंड आई वॉज लाइक मम्मी मैं सिद्ध को देखूंगा, तुम लोग जाओ. अभी क्या होते से दे वर सो क्लोज विद अस. हम लोग के दोनों के घर के बीच में कोई वॉल भी नहीं, कोई बुशेस भी नहीं है. तो क्या होता था, देख मैं बोलती हूँ डेली किसी से मुलाकात हो ना हो वी यूज टू मीट हिम. तो जब गए ना, सच्ची बात बताओ, उसको देख के एंड उसके चार बच्चों को देख के यार मैं अपना आंसू, आई डोंट नो यार पीपल क्राई और नॉट, बट कहीं ना कहीं हम इंडियन लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं ना. तो मैं ना अपने आंसू नहीं रोक पाई एंड फिर मैं देख रही हूँ शौमिक ऑल्सो यू नो हम लोग दोनों इतना इमोशनल हो गए. तो इसीलिए ना मैं थोड़ा फ्रूट्स खरीदूंगी, लाइक वो लोग ऑर्गेनिक वेगन खाते हैं तो आई गेट सम फ्रूट्स. एंड हम लोग के विलेज पे एक रेस्टोरेंट है, वो लोग वहां पे ना वो लोग सिर्फ लाइक दे मेक ऑर्गेनिक वेगन फूड ओनली. तो वहां से मैं सोच रही कि मैं कुछ खाना ऑर्डर कर दूं. तो हम लोग के कम्युनिटी में ना हम लोगों ने सोचा है द डेली यू नो ये कपल ऑफ डेज के लिए ना हम लोग किसी के घर से ना ऐसा हम लोग खाना भेज देंगे ताकि यू नो नो नीड टू कुक एंड ऑल. एंड बच्चे लोग इतना छोटे हैं यार, ट्वीन्स आर ओनली 3-3 एंड बेटा तो जैसे इट्स ओनली 14 months, इससे 6 महीना छोटा. सो लेट्स टेक सम स्ट्रॉबेरीज. एंड फिर आज मुझे एक कमाल का चीज मिला, जस्ट लुक, मुझे छोटे छोटे समोसा मिला. एंड मैं ग्रोसरी स्टोर गई थी ना तो एक रोज मैंने आप सबको दिखाया था वहां पे ना ऐसा मिनी समोसा था. तो आज मुझे लगा चलो घर में लेके आती हूँ, चख के देखती हूँ कैसे. एंड दिस इज सो गुड एंड आई गॉट ऑल द फ्रूट्स फॉर देम यू नो. तो अभी मैंने बोला था ना एक वेगन रेस्टोरेंट है वहां से मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है. तो जब खाना आएगा मैं वो लोग को दे के आ जाऊंगी, सिद को भी लेके चली जाऊंगी. तो सिद को यहाँ पे बिठा दिया है खेलने एंड मैं आज बनाऊंगी राजमा. ये ना लाइक ये रेड वाला ना कश्मीरी राजमा है. हाँ, सॉफ्ट हो गया. तो यहाँ पे सारे फल है, बेल हटा देती हूँ. यू नो जो यहाँ पे लोग ना ग्रेप्स बहुत पसंद करते हैं, सो ग्रेप्स, बनाना, फिर ब्लूबेरी, फिर स्ट्रॉबेरी एंड कहाँ पे गया एप्पल भी है. हाँ, एंड एप्पल. सो अभी उनके घर में ना उस लाइक उसके मम्मी पापा एंड भाई भी है. सो फॉर द एंटायर फैमिली मैंने ऑर्डर कर लिया था. सो दो लजानिया बॉल, देन वन एक फलाफल एंड बच्चों के लिए मैक एंड चीज का बॉल. सो लंच टाइम से पहले देके आ गई एंड अभी यहाँ पे मैं बनाऊंगी राजमा. और राजमा का रेसिपी क्या शेयर करूँ आपके साथ. आई थिंक सो मेनी टाइम आई हैव शेयर्ड, थोड़ा ज्यादा करके बना के रख. जब मैं राजमा बनाती हूँ ना मैं ना इसमें बहुत सारा कोरिएंडर लीव्स ऐड करते हैं. ट्रस्ट मी, इससे ना बहुत टेस्टी होता है. तो अभी मैं पानी दे के फिर इसको बिठा दूंगी, धीरे धीरे स्लो फ्लेम पे होगा. एंड एक्चुअली ये कश्मीरी राजमा ना खाने में ज़्यादा टेस्टी होता है, ओनली बॉयल ये अच्छी तरीके से नहीं होते. पर आज देखती हूँ, मुझे लगता है आज ठीक ही बॉयल हुआ है. ओह गॉड, चलो लेट मी ट्राई. या सी टुडे इट इज परफेक्ट. ये बहुत ही टेस्टी होता है खाने में. तो समोसा मैं जो खरीद के लाई थी ना इतना टेस्टी है, तो मैंने राय को दिया है.
एंड यार मुझे सुबह से टाइम ही नहीं मिला दैट आई विल व्लॉग एंड ऑल ऑल्सो सी अभी 6 बजने वाला है एंड सी मेरा कितना सारा सामान आया है अमेजोन से. ये मुझे लगता है वैक्यूम क्लीनर है एंड ये पहले मैं राय को खाना खिला देती हूँ देन आई विल गो. कल के बाद ना एक्चुअली कल ये सुनने के बाद ना कल तो कुछ करने का ही मन नहीं किया. मैं और शौमिक वो ही बोल रहे थे यू नो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि लाइफ का कुछ भी भरोसा नहीं है. यू नो हम लोग सोचते कुछ है पर गॉड हैज़ अदर प्लान्स फॉर अस. यू नो लास्ट टू लास्ट मैंने आप सबको बोला था जहाँ पे यू नो हम लोग को लग रहा था कि हम लोग को घर मिलेगा एंड वी डिडंट गेट. तो उसके बाद ना मैंने सोचा ना यार मैं अपना सी जो एक एक साल जा रहा है वो तो लौट के नहीं आएगा. सो व्हाई विल आई मिस यू नो मेनी ऑफ यू नो कि मुझे घर सजाना बहुत पसंद है. पहले भी मैं किचन के लिए बहुत कुछ खरीदती थी यार. जब से हम लोगों ने सोचा है ना कि मैं ऐसा हम लोग विल चेंज द हाउस तब से यू विल सी मैं किचन के लिए कुछ भी नहीं खरीदती हूँ. बिकॉज जब भी खरीदती हूँ यू नो व्हेन आई थिंक ऑल्सो देन आई फील नहीं यार क्या होगा अगर यू नो इफ़ यू लीव फिर और एक बर्तन बढ़ेगा. सो दैट टाइम ना लाइक आई थिंक सो फ्राइडे को ही ना मैंने सोचा नो यार मेरा लाइफ पहले जैसा था आई विल मैं वैसे ही रहूँगी. वाई शुड आई मैं क्यों अपने आप को रोकूँ बिकॉज मेरा जो यू नो एक एक साल जा रहा है वो तो लौट के नहीं आएगा. तो एक्चुअली ना किचन के लिए मैंने काफ़ी सारा सामान ऑर्डर किया है जो बहुत दिनों से मेरा मन था कि मैं चेंज करूँ. पर कल ना ये सब सुनने के बाद से यहाँ पे पड़ा हुआ है मुझे लाइक ओपन कर कल तो कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा था. तो टुडे आई विल ओपन एंड आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू कि किचन के लिए मैंने क्या क्या खरीदा है. सो राय को राजमा रोटी के साथ खाना नहीं था. एक्चुअली मैं सोच रही थी आज पाव भाजी बनाऊंगी. अभी शौमिक को पाव भाजी पसंद नहीं है. मैं बोलती हूँ ना मेरे घर में सभी का अलग अलग टेस्ट. तो राय वॉज लाइक कि मम्मी तू मुझे पाव के साथ ही दे दो. एंड सिद्ध तो जहाँ बैठता है विद इन 5 मिनट्स ही गंदा कर देगा एंड माई काम इज ओनली झाड़ू एंड पोछा दैट्स इट. तो चलिए मैं ये जगह को क्लीन कर लेती हूँ. इतना सारा पानी इसने फेंक दिया. राय का डिनर इज डन एंड मैंने तो आज लंच ही नहीं किया क्योंकि मुझे ना ऐसा था कि मुझे सिद्ध को ना जल्दी सुलाना था. मैंने आज इसको सुबह भी ना कितने बजे आई थिंक सो 7 o'clock ही जगा 7:30 को ही जगा दिया था ताकि यू नो रूटीन फिर से पहले जैसा हो. एंड अभी तो ज़्यादा दिन है भी नहीं और आई थिंक सो हार्डली 2 weeks इज लेफ्ट कि सिद्ध विल स्टार्ट डे केयर. तो मुझे वो स्केड्यूल में भी लाना है. एंड हाँ उसको बहुत ही अच्छा लगा यू नो आई गेव वेगन फूड. पर क्या होता है यू नो वेगन रेस्टोरेंट एक्चुअली कम होते हैं आप देखेंगे. लाइक हम लोगों को यहाँ पे ऐसा भी इतना सारा रेस्टोरेंट नहीं है. तो क्या हुआ एक ना इंडियन रेस्टोरेंट था ओके फर्स्ट ना इट यूज टू मेक ना फ्यूजन टाइप का खाना वो लोग बनाते थे. गॉड नीचे साफ करो फिर 1 मिनट बाद फिर गंदा हो जाता है. तो फिर क्या हुआ दे मेड इट इनटू अ वेगन रेस्टोरेंट ओके. व्हेन आई ऑर्डर्ड ओके मैं देख रही हूँ खिचड़ी ओके सपोज एक बोल ऐसा होगा ओके वेयर दे विल गिव लिटिल बिट ऑफ राजमा. ब्रेड तो नहीं होगा ब्रेड तो था यू नो वेगन लोग ब्रेड भी खाते हैं. तो जो भी ऐसा एक बोल होगा एंड इट इज $20. तो मैं देख रही हूँ खिचड़ी ओके या खिचड़ी यू वोंट बिलीव गाइस $20. फिर हम लोग वो क्या दाल मखाने बनाते हैं ना वही दाल यू नो लेंटिल्स लिखा हुआ है ब्लैक लेंटिल्स वो भी $20. मैं बोलूँ यार $20 में इतना सा सिर्फ खिचड़ी में बोलो $20 में तो 20 मतलब कितना होगा अगर इंडियन रुपीज में भी बोले तो अराउंड 1600 rupees. तो कितना सारा खिचड़ी बन जाएगा. तो मेरा काफ़ी सारा पैकेट आया है अमेजोन से. अंदर लेके आ जाती हूँ एंड शौमिक के लिए मैंने जैसे चॉप करके रख देती हूँ तो इजी हो जाता है ना. तो मैं इसको अभी थोड़ा एयर फ्राई कर लूँगी. तो इतने बड़े पैकेट में क्या आया है मैं आप सबको बोल रही थी ना मुझे कंडीशनर नहीं मिल रहा है देन वो तो नहीं मिला. देन आई गॉट दिस अल्बा का आई गॉट दिस कोकोनट मिल्क कंडीशनर. ये भी अच्छा है सी फॉर्मुलेटेड फॉर ड्राई हेयर. ये मैं पहले यूज़ करती थी फिर
तो एस्पेरेगस काफ़ी अच्छी तरीके से एयर फ्राई हो चुके हैं एंड टुडे आई एम मेकिंग ए सिंपल सैलड, क्योंकि शौमिक ना लंच में भी सैलड खाते हैं तो मैं बोलती हूँ यार कितना और सैलड खाओगे, सो आई विल जस्ट ऐड लिटिल बिट ऑफ चीज़ इन इट। ऐसा कभी खाने में भी ना टेस्टी लगता है एंड मेरा तो काम आप सबको पता ही है, बर्तन निकालना, बर्तन दो फिर बर्तन निकालना। आज थोड़ा मोच आ गया है गले में एंड हाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा राजमा बनाया क्योंकि राजमा कोई दूसरा दिन भी खा सकेंगे। सो ये मैंने शार्क का नया वैक्यूम खरीदा, जैसे मैं बोल रही थी ना, नाउ आई वांट कॉर्डेड क्योंकि मैं कॉर्डलेस से बोर हो चुकी हूँ एंड दिस इज इट। नया कोई भी चीज़ हो काफ़ी अच्छा चलता है एंड बहुत ही लाइट वेट है एंड अच्छी तरीके से साफ हो रहा है, अभी तक मैं यही बोलूँगी। सो नाउ द टाइम इज 10 o'clock एंड टोटली सेटिस्फाइड विद दिस। मुझे ना शार्क का वैक्यूम बहुत पसंद है, कॉर्डलेस भी था बट आई वॉज लगे नहीं मुझे कॉर्डेड चाहिए, तो उसी नीट एंड क्लीन सब कुछ हो गया है एंड अभी एंड आज ना मुझे ना सिद के लिए ना पुल अप डाइपर्स होते हैं ना वो मुझे ट्राई करना था, तो मैं जहाँ पे भी जा रही थी आई वेंट टू टारगेट ऑल्सो। मुझे ना सिर्फ अभी इतना, मैं इतना जेंडराइज नहीं मानती हूँ बट देन ऑल्सो यू नो ऐसा होता है ना कोई भी नहीं पहनते बट डायपर कौन देखेगा, आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई। तो मुझे ना वो सिर्फ मिनी वर्स वाला वर्शन ही मिल रहा था, मिकी वाला नहीं मिल रहा था, सो आई गॉट वन टू देम। तो अच्छी तरीके से सिद को फिट हो रहा है बिकॉज वो साइज देखना था ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो अभी बज रहे सुबह के 7:05 एंड मौसम बहुत सुहाना है एंड आज इतना ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, से कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अभी ना सीध अच्छी तरीके से सोता है, सो मॉर्निंग आई गेट टाइम कि मैं राय को ब्रेकफास्ट बना के दूँ, तो यहाँ पे मैं राय के लिए सैंडविच बना रही हूँ एंड हम लोग के लिए बना रही हूँ, एक साथ में सभी का हो जाएगा। तो शौमिक जिस रोज़ ऑफिस नहीं जाते लाइक ही वर्क्स फ्रॉम होम, में उस दिन उनको कुछ अलग ही देती हूँ कितना, और ओटमील भी खाएंगे। तो रेडी हो गया है सैंडविच एंड हाँ मैं इतना इंस्टा रील देख रही थी ना किस तरीके से यू नो ग्रेप्स को वो लोग कट करते ताकि हार्ड बने, तो मुझे लगा चलो राय के लिए ये भी करके देती हूँ। तो ये रहा राय का सैंडविच एंड ग्रेप्स तो ग्रेप्स ही होता है, वो देखने में सिर्फ खूबसूरत लगता है, तो ऐसा ही मैंने थोड़ा राय के लिए करके दिया। तो आज मैं धनिया चिकन या आप हरियाली चिकन भी बोल सकते हो, विद दिस यू कैन मेक कबाब ऑल्सो। अगर आप चाहे थोड़ा मिंट ऐड कीजिएगा, मुझे मिंट नहीं मिला तो मैंने धनिया पत्ता लिया है, देन ग्रीन चिली, देन थोड़ा कैशू नट, देन हाफ अनियन दिया है, देन थोड़ा आपको ज़्यादा दही देना है, मेक ए पेस्ट आउट ऑफ इट। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अराउंड 1 tablespoon ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, इफ़ यू गेट मिंट ऐड लिटिल बिट ऑफ मिंट इन इट। तो फिर अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट एंड उसके बाद लिटिल बिट ऑयल ऐड करेंगे एंड फिर अच्छी तरीके से मैरिनेट कर के रख देंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिला एंड नाउ द टाइम इज़ 11 o'clock। तो चलिए खाना बनाने से पहले लेट मी शेयर विथ ऑल ऑफ यू मैंने किचन के लिए क्या क्या खरीदा है, क्योंकि अभी घर शांत है, शौमिक सिद को लेके थोड़ा पार्क में गए हैं, तो बहुत दिनों के बाद मैं किचन रिलेटेड हॉल कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, सी मोस्ट ऑफ यू नो कि मेरे घर में आई हैव ए लॉट ऑफ यूटेंसिल्स एंड सभी स्टेनलेस स्टील्स के बहुत ही अच्छे यूटेंसिल्स हैं। तो मैंने कुछ ऐसा यू नो खाना बनाने रिलेटेड कुछ नहीं खरीदा, बट हाँ मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मेरे जो प्लेट्स बोल्स है ना ऑल आर ऑफ वाइट 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 कलर एंड आप देखेंगे वाइट कलर का जितना भी आप क्लीन करें धीरे धीरे ना थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो आई विल जस्ट डिस्कार्ड यू ना, अभी ये सब हम लोगों ने यूज़ किया, यू कैन गिव समवन ना, तो आई विल जस्ट रिसाइकल एवरीथिंग, सब कुछ मैं रिसाइकल कर दूँ। तो मुझे ये सेट ना बहुत दिनों से ख़रीदने का मन था, तो चलिए देखते हैं कैसा है। या सी द प्लेट्स आर ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है।
सो सी बहुत ही खूबसूरत प्लेट्स है, आई थिंक सो दिस आर द क्वार्टर प्लेट्स. तो सी दिस प्लेट्स आर ब्यूटिफुल एंड साइज इज परफेक्ट. सी क्वार्टर प्लेट ही कितना बड़ा है. एंड ये ना सेट आया था जैसे होता है, पर यहाँ पे ना सभी चार का सेट होता है, बट दिस ना आपको इंडिविजुअल भी खरीद सकते हैं. सो मे बी आई विल बाय टू मोर इंडिविजुअल प्लेट्स. आई थिंक सो एक एक इंडिविजुअल प्लेट्स आर अराउंड आई थिंक सो $20 करके है. एंड दिस इज द बोल. तो ये बोल मुझे थोड़ा छोटा लगा, इसके लिए से ये मैंने इंडिविजुअल खरीदा है. वेट लेट मी ओपन इट. तो जैसे मैं बोल रही थी ना से ये बोल थोड़ा साइज में छोटा है, इसीलिए से इसका इंडिविजुअल मैंने बोल खरीदा है. सेम डिजाइन का है, आपको सिर्फ ये देखना है दिस कलेक्शन एंड यू कैन गेट वॉट एवर यू वॉन्ट. तो सी ये बोल थोड़ा बड़ा है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना आई यूज फॉर डेली यूज के लिए, तो इसमें सीरियल्स एंड ऑल खाने के लिए परफेक्ट है. सो ये मैंने पास्ता बोल का एक सेट खरीदा है बिकॉज सी द डिजाइन इज समवेयर सिमिलर टू इट. या सी इट समवेयर सिमिलर टू इट. एंड हाँ ये कलर तो आप सबको पता ही है मेरे किचन थीम से मैच होता है ना. अभी पता नहीं मैं ये रखूंगी भी या नहीं. वाओ दिस इज ब्यूटीफुल, ये बहुत ही खूबसूरत है. यू नो वेयर यू कैन सर्व सैलड हियर एंड यहाँ पे आप सबको पास्ता दे सकते हैं और हियर ऑल्सो. पर अभी मैं लिटिल बिट सोच रही हूँ क्या करूँ, ये रखूँ कि ये रिटर्न. तो दिल में पत्थर रख के यार मैं इतना सारा ना सब डिशेस में डिस्कार्ड कर रही हूँ. ये सब मैंने बहुत यूज किया है एंड सी सभी मैं बोल रही थी ना वाइट 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 है. ये कलेक्शन शायद मैं रख दूंगी यार, ये मैंने गलती से रख दिया था. ये सब मैंने बहुत ये सब यूज किया है. तो यहाँ पे डेली यूज के लिए सब कुछ रख दे. एंड स्टील के बर्तन और इमोशन यार, ये सब मेरा शादी का है, ये सब कभी भी मैं फेंक नहीं पाऊंगी यार. इतने अच्छे स्टील के बर्तन होते हैं. तो स्टील का जो मेरा छोटा छोटा प्लेट्स है दोज ऑल आर देयर. कढ़ाई पे मैंने थोड़ा ऑयल ले लिया है. फर्स्ट मैंने इसमें थोड़ा ब्लैक पेपर ऐड किया है, लाइक होल ब्लैक पेपर. उसके बाद ऐड द मैरिनेटेड चिकन इन इट. तो अभी एंड मैंने ना जब मैंने मैरिनेटेड मैंने लेमन जूस भी ऐड किया था, शायद मैं वो कैप्चर करना भूल गई. एंड अभी ना मैं इसमें थोड़ा गार्लिक पाउडर ऐड करूंगी, उससे थोड़ा गार्लिक की एक फ्लेवर आएगा. इफ़ यू वॉन्ट यू ना अगर आप कबाब बना रहे हैं देन वाइल मैरिनेटिंग ऐड गार्लिक पाउडर ऑल्सो. सो सी कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, बट डेफिनेटली गिव ऑयल जैसा मैंने पहले नीचे दिया था, नहीं तो चिपक जाएगा. सी बिल्कुल भी नहीं चिपका है. इफ यू वांट यू कैन ऐड यू नो इफ यू वांट यू कैन ऐड सम वाटर, बट मैं और पानी नहीं दूंगी. ये ऐसा ही खाने में अच्छा लगता है. स्लो कुक में बहुत सॉफ्ट होगा चिकन. अगर आप चाहे तो मटन से भी बना सकते हैं. एंड इफ यू वांट जैसे मैं बोल रही हूँ यू कैन जस्ट मेक कबाब विथ इट, वो भी बहुत अच्छा होगा. सो चलिए ये व्लॉग को अभी एंड कर देते हैं. नाउ द टाइम इज 1 o'clock एंड मेरा हालत घर का हालत देखने लायक है वो मैं. एंड अभी क्या कर सीध ना ऐसा मुझे सीध को गोद में लेना पड़ता है, लाइक सीध आएगा एंड ही वांट्स टू उसको गोद में लेना है सीध को. फिर रेक्स भी ऐसा करेगा, मैं बिस्तर पे सोऊंगी ना फिर रेक्स आके रेक्स को गोद में लाइक आई हैव टू पिक हिम अप करके ना मेरा कमर का हालत ख़राब हो गया. तो वही मैं शॉमिक को बोल रही थी, शॉमिक टीच मी सम एक्सरसाइज ना, नहीं तो सीध जब डे केयर जाएगा ना अगेन आई विल स्टार्ट वॉकिंग. वॉक धीरे धीरे करके यू नो देन आई विल इंक्रीज माई वॉकिंग पहले जैसे मैं करती थी. तो चलिए मैं कोशिश करूँगी आप सबसे कल मिलने, नहीं तो विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी वीकेंड एंड आई विल मीट यू ऑल मंडे विथ ए न्यू व्लॉग. अगर कल मेरा व्लॉग नहीं आया तो चलिए बाय बाय.